हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह हो गई है, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ और मुझे खाना बनाने में और सभी को तैयार भी करना है और उनके लिए करना। यहाँ पर मैं बेसन के गट्टे बनाऊँगी, यानी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधी चम्मच करीबन अजवाइन लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आधा चम्मच करीबन यहाँ पर हम ले लेंगे जीरा। फिर हम आधा चम्मच हरी वाली सौंफ लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इसके बाद हम एक कटोरी बराबर बेसन लेंगे और बेसन में जो हमने क्रश किया हुआ ये सौंफ, जीरा, अजवाइन है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक चम्मच करीबन या फिर से थोड़ा नमक ऐड करेंगे। फिर आधा चम्मच करीबन हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सभी को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और गट्टे को बहुत सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर देंगे, जिससे कि गट्टे सॉफ्ट बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड करेंगे। अब सभी को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से यहाँ मिलाकर गट्टे के लिए बेसन को हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें बेसन को अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से तैयार करके रख देना है 10 मिनट के लिए। जब ये सेट हो जाएगा फिर हम इसे निकालेंगे। तब बेसन सेट हो रहा है, अब हम यहाँ पर 2 गिलास करीबन पानी को रख देंगे और अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। गट्टे का जो बेसन मैंने बनाया है उसे मैं सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम बेसन को अच्छी तरह से सेट करेंगे। बहुत देर तक हमें इसे इसी तरह से सेट करना है, जब तक कि ऑयल बाहर ना आ जाए हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब हमने इस तरह से शेप दे दिया है, अब हम इसे चाकू की हेल्प से टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें गट्टे डालेंगे। अब यहाँ पर हम प्याज, अदरक, लहसुन को ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए गट्टे जो हैं बॉइल अच्छी तरह से हो गए हैं और ऊपर की ओर आ गया है। तो हम इस गट्टे को अब निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हमने इसमें जो प्याज को ग्राइंड करके रख लिया था उस प्याज को निकाल लेंगे और इसी ग्राइंडर में हम टमाटर भी ग्राइंड कर लेंगे डालकर। और एक साइड में हमारा वहाँ कढ़ाई पर तेल भी गर्म हो रहा है, उस पर हम लहसुन
और अदरक ऐड कर देंगे और पकने देंगे। फिर यह हमने गट्टू को कट कर लिया है। यहाँ हमने कढ़ाई में प्याज को ऐड कर दिया है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर प्याज हमें लाल होने तक अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर हम एक साइड मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हम देखिए मिर्च पाउडर लेंगे 2 चम्मच। उसके बाद धनिया पाउडर लेंगे। धनिया पाउडर है। अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया है साथ में। अब हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। सभी मसालों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और घोल कर अच्छी तरह से रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को मिक्स कर दिया है और रख दिया है। प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। अब हमने इसे मसाला भी ऐड कर दिया है। अब हम मसालों और प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर मैंने मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च आधा चम्मच तरह से पक जाएगा। इसको से खुशबू आने लगेगी। तब हम ये जो हमने सब्जी यहाँ पर कट करके रखी है बेसन के गट्टे उसे इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे और सब्जी को पकने देंगे। मसाला देखिए यहाँ पर भून गया है अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे जो हमने गट्टे काट कर रखे थे। ये देखिए गट्टे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे और उसको हम ढक देंगे और धीमी आंच में सब्जी को अच्छी तरह से पकने देंगे। दलिया बन गई है। बस यहाँ से फ्री होने के बाद फिर मैं दूसरा काम देखती हूँ, यानी कि मुझे परी को तैयार करना है। यहाँ पर देखिए सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये सब्जी जो है सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर बेसन गट्टे की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। खाना बन गया था तो मैंने सोचा जल्दी से मैं रूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर आते ही रहते हैं घर में। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं ये सोफ़ा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कपड़े की सफाई भी कर ली थी। परी रोज़ का रोज़ फ्लावर हटा देती है, फेंक देती है, इसलिए उसे रोज़ ही सेट करना पड़ता है मुझे।
इसके बाद मैंने कहा फटाफट थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी कर देते हैं। झाड़ू वगैरह लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और काम करके मैं यहाँ पर फ्री हो गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड करने जा रही हूँ, और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।